छत्रम फिर से हम पार्ट सात बंदर बांट बंदर बांट यही संकलित है। इसके लिए यहां पर हम डायरेक्ट कविता का आशय के बारे में विचार करेंगे, लेकिन यहां एकनाथ व्यक्ति जो कवि है रहे तो उनका परिचय के बारे में पहले समय विचार करता था, लेकिन यहां पर संकलित है जिसके लिए बंदर बन ये कविता का आशय या चयन क्या है उसके बारे में आज विचार करेंगे। लेकिन यहां पर इस कविता के द्वारा बच्चे यहां सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़े में झगड़ा नशी तीसरा का लाभ होता है। यही कविता का आशय क्या है, बच्चे क्या सीखते हैं। वहां पर दो व्यक्तियों की जो झगड़ा चल रही है वो व्यक्तियों के बीच में तीसरा एक व्यक्ति आती है। वो तीसरा व्यक्ति ने ही वो मैटर का वो विषय का जो प्रॉफिट कर सकते हैं, इसका ही अर्थ यहां पर बच्चों प्राप्त हो सकता है। इसके लिए बंदर बांट यही कविता बहुत ही आपका लाभदायक कविता है। लेकिन यहां पर पहले समय में वो बंदर बांट का कविता के बारे में पढ़ाएंगे, बाद में वही कविता का अर्थ या भावार्थ के बारे में विचार करेंगे। यहां पर म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। यही पहले स्टेज है। अब सेकंड वन बोले यह तो मेरी रोटी, बोले यह तो मेरी रोटी, चीन के लाई तू री खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। और सेकंड वन समाप्त हो गई। नेक्स्ट वन नंबर थर्ड, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहा अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। तीसरा वाक्य में एक बंदर आती है। चौथा लास्ट पैराग्राफ, रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर घर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। और रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम यहां टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, बिल्लियों को कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी घवाया। इस तरह जो यहां पर पद है, यह पद का कठिन शब्द है, अकड़ कहे तो घमंड, तराजू तोड़ने का साधन, आप जो कमेंट में कहती है तक्कड़ी अली वन को अथवा चाटा पड़ा को देने रखा अलग है ना वेर करीती अंतर तक्कड़ी अंत करीती गला हागे तराजू तोड़ने का साधन। आड़ना आड़ना इसका अर्थ है जबरदस्ती रुकना, पलड़ा तराजू का प्रत्येक पल्ला, तराजू रहती है यहाँ पर, तराजू तोलने का साधन है, वो तोलने का प्रत्येक एक पल्ला रहता है, वो थगड़ी रहता गौंडरा एरडो कड़ी वो प्लेट राखे रहता ला हाँ अलग पलड़ा शेष बचा हुआ मजदूरी परिश्रम के बदले दिए जाने वाला धन, धरना रखना, कामना इच्छा या आशा, गावना खोना, यही अर्थ हो सकता है। लेकिन यहां पर
म्याओ म्याओ बिल्ली आई, बिल्ली किस तरह आई, म्याओ म्याओ आई, म्याओ म्याओ पुकारते हुए एक बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, उनकी ही मुंह में क्या है, बिल्ली के मुंह में रोटी, रोटी कहां से लाई है, बाहर वो बिल्ली जाती है, जाकर वहां एक रोटी मिला था, वो रोटी को मुंह में पकड़कर वो बिल्ली ने लाई है, तभी दूसरी बिल्ली आई, तभी ही समय में वो बिल्ली के मुंह में रोटी है, उसी ही समय में दूसरी तरफ से दूसरा एक बिल्ली वहां जगह पर आ गई, वही स्थान पर आ गए, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, उसने ये बिल्ली को मुंह में रोटी है ना, वो रोटी को अकड़ दिखाई, बहुत ही घमंड के रूप में, बहुत ही हिम्मत वाला के रूप में, वो रोटी पाने के लिए वो पहले एक बिल्ली है ना, वो बिल्ली के साथ वहां पर सेकेंड वन बिल्ली है या दूसरा बिल्ली है, वो दूसरा बिल्ली ने झगड़ा करने के लिए प्रारंभ किया। पहले एक बिल्ली है, वो बिल्ली कहां से एक रोटी लाया था मुंह में बांधकर, लेकिन दूसरी तरफ से सेकेंड वन बिल्ली आ गई है, दूसरा बिल्ली आ गई है, वो दूसरा बिल्ली ने पहला बिल्ली के मुंह में रोटी है ना, वो रोटी लाने के लिए या पाने के लिए वो दोनों ही के बीच में क्या हो सकता है, झगड़ा प्रारंभ हो सकता है। और इसी समय बोले, यह तो मेरी रोटी, वो दूसरा बिल्ली है, वो दूसरा बिल्ली ने पहले बिल्ली को बताया, यह मेरा रोटी है, आपका रोटी नहीं है, वो रोटी किसका है, मेरा है। जिस तरह था जो झगड़ा प्रारंभ करने की ही पहले दोनों बिल्ली के बीच में जो संभाषण चल रही है, और चीन के लाई तो री रोटी, देखिए चीन की लाई तो री रोटी, वो रोटी तो क्या किया है, चीन की लाई है, इसके लिए वो रोटी आपका नहीं है, वो रोटी मुझे है या रोटी मेरा है, मेरी रोटी मुझको दे दो, मेरी रोटी है वो रोटी मुझको दे दो, वो मेरा रोटी है, आपको ला लिया है, लेकिन वो रोटी आपका नहीं है, मेरा है, जिसके लिए वो रोटी मुझे दे दो, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो, नहीं देना तो आप वो रोटी नहीं देना तो आगे क्या करना चाहिए, मेरे साथ झगड़ा करने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस तरह बहुत ही घमंड के रूप में वहां पर दूसरा बिल्ली है, वो दूसरा बिल्ली कहने के लिए प्रारंभ किया। और थर्ड वन में क्या होता है, वहां पर बंदर ने देखा यह झगड़ा, बंदर एक तरफ से वहां तक बैठ गया था, लेकिन ये दोनों बिल्ली के बीच में झगड़ा चल रही है ना, वो झगड़ा देखा, देखकर वो बंदर ने क्या करती है, बंदर ने देखा यह झगड़ा है, वो झगड़ा को बंदर ने देखा, ले तराजू वहां आड़ा, उनके पास एक तारुष था, तराजू में तो तोड़ने का साधन, वो तकड़ी लेकर वहां पर आ गई। बोला आने के बाद वो बंदर ने दोनों बिल्ली को बोलते हैं, झगड़ा ठीक नहीं है, इस तरह जो झगड़ा करना ही ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बांट के खाना बात सही है, बांट के खाना, बांट का अर्थ हंचू, जो बांट कितना, एक रोटी में आपका आधा भाग, आपको आधा भाग, जो बांट कर खाना ही अच्छा हो सकता है, जिस तरह वहां पर बंदर ने दोनों बिल्ली को कहती है। इस तरह कहने के बाद रोटी के दो टुकड़े करके इसके लिए वो बंदर ने क्या किया,
उनके पास एक रोटी लिया। वो रोटी लेने के बाद वो रोटी में कितने भाग किया? दो भाग किया। वो रोटी में कितने भाग किया है? दो भाग किया, आधा आधा भाग दो भाग किया। बंदर ने पलड़ों पर धर के, पलड़ों कहिए तो वहां पर वो तराजू का जो रहता है, एक एक प्लेट की रीति रहती है ना, वो इसका अर्थ पलड़ों होती है। दो पलड़ों वहां पर रहता है तराजू को, एक आधा रोटी एक पलड़ों में, एक आधा रोटी दूसरे पलड़ों में रख दिया। लेकिन वो तोलने का साधन है तराजू, वो तराजू क्या हो गई है वहां पर ज्यादा कमी हो गई है। अधिक जो देना टुकड़ा खाया, अधिक कितनी पलड़ों कहां से कितने पलड़े हैं ना, वो दोनों पलड़े हैं, दोनों पलड़े में वहां से एक पलड़े में ज्यादा हो गए तो वो नीचे आती है, एक पलड़े में कमी है तो वो ऊपर जाती है। लेकिन इस तरह होने के बाद, लेकिन कहां जो पलड़ों नीचे आते हैं वहां से एक ब्रेक करने के बाद टुकड़ा कर क्या किया, वो बंदर ने खाया। इसी तरह वहां पर काम चले रही लेकिन चलते चलते क्या हो गई, सभी रोटियां खाली हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन थोड़ा ही बच गया था। लेकिन बड़ा दूसरा उसे चबाया, लेकिन बड़ा है या दूसरा चबाने का जो काम है वहां पर बिल्ली ने किया है। और रोटी थोड़ी शेष रही, जब रोटी थोड़ी ही शेष रही थी, बाकी थोड़ा ही रोटी उसमें पलड़ों में था। बंदर बोला, सुन लो अब तुम, बंदर ने उसी समय में बोलता है, तुम दोनों सुन लो, यह टुकड़ा मेरा मजदूरी काम करने के लिए पैसे देती है, वो मजदूरी यहाँ पर जो तोलना की गई है बंदर, इसका मजदूरी है, वो बाकी शेष रोटी है वो रोटी मजदूरी है। हुई कामना मेरी पूरी, उनका पूरी कामना क्या था, रोटी खाने का कामना बंदर का, उनका कामना पूरी हो गई। आज बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, बिल्लियों के कुछ भी न मिली, और झगड़ा में था सभी गांव, लेकिन झगड़ा में सभी ही लाश हो गई है। तीसरे आने वाले व्यक्ति बंदर है, वो बंदर को यही प्रॉफिट हो गई है। जिस तरह आपकी जीवन में न होना चाहिए, यही संदेश सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ यही जो कविता है वो कविता समाप्त हो गई। लेकिन यही कविता समाप्त होने के बाद वहां पर आगे प्रश्नोत्तर है, वो प्रश्नोत्तर के बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कविता है, कविता समाप्त हुई, लेकिन आगे जो प्रश्नोत्तर है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए आपके काम है, दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए, लेकिन भावार्थ लिखिए। इसका जो भावार्थ, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहा वहा आड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। यही जो दिया है इसका भावार्थ आप ही लिखना जरूरी है। नमूने के अनुसार इस कविता में प्रयुक्त तुक वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए, आई लाई, लेकिन यही पद्य भाग में क्या है जो, लेकिन यहाँ पर शब्द है ना आई लाई आई दिखाई, ये तुक वाले शब्द कह जा सकता है। यहाँ पर रोटी रोटी दे ले है सेकंड वन में, और थर्ड वन में यहाँ पर झगड़ा है ना डा है, यहाँ पर आड़ा, और झगड़ा ठीक नहीं है, यहाँ सही है, नहीं है सही है, और इसी तरह लेकिन लास्ट पैर में कर के घर धर के, यहाँ पर दो है, और लेकिन काया चबाया या काया है, यहाँ चबाया है, यही तुक्के वाले शब्द हमें कह जा सकती है। इसी इसके साथ यहाँ पर आए नमूने के अनुसार इस कविता में प्रयुक्त तुक वाले शब्द, यहाँ पर तुक वाले शब्द अभी इतना दिखाई है, वही यहाँ पर लिखना जरूरी है। आपको कौन कौन सी चीज
खाना पसंद है और कौन सी पसंद नहीं है। यहाँ पर तिल भंगड़ है, चीजन के नाम जलेबी है। आपका पसंद है तो वेट करो, पसंद नहीं आई तो इंटू मार करो, मुझे पसंद नहीं आई तो यहाँ पर इंटू करो। लेकिन आगे चलकर आपको जो बिल्ली म्यांमार जानवर यही घोड़ा हिल हिलना इस तरह हाथी और बकरी शेर गधा गाय कुत्ता, लेकिन ये इस तरह देखने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वन जो चुट्टी पत्र है आठवां लेसन, वो आठवां लेसन चुट्टी पत्र के बारे में हम विचार करेंगे। इसके लिए तब तक सभी छात्रों को धन्यवाद। और यहाँ पर चुट्टी पत्र छात्र चुट्टी पत्र लिखने की सीखते हैं, ये चुट्टी पत्र किस तरह आप लिखना ही है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से धन्यवाद।